Assalamu alaikum students, this is Taimoor Taseen, your chemistry teacher. We were discussing about chapter number 7, electrochemistry. Electrochemistry kya thi bataya tha pehle ki electrochemistry do words se milke bana hai, electricity aur chemistry. Isme hum electrical energy ko chemical energy aur chemical energy ko electrical energy mein convert karte hain. Humne baat ki thi बेसिक्स की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात की थी, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की थी, रिडॉक्स रिएक्शंस की बात की थी और फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात की थी. लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक टाइप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ी थी. आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दूसरी टाइप गैल्वेनिक सेल पढ़ने जा रहे हैं. एज यू कैन सी इन योर वाइट बोर्ड या इन दिस वाइट बोर्ड गैल्वेनिक सेल, इसमें हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, ठीक है. उसके बाद कुछ इसकी हिस्ट्री या हिस्टोरिकल बयान करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है. इसकी कंस्ट्रक्शन बनता कैसे है, कंस्ट्रक्शन की बात की जाएगी. और लास्ट में इसके रिएक्शंस कि इसके अंदर कौन कौन से रिएक्शंस टेक प्लेस हो रहे हैं उसकी हम बात करेंगे. डेफिनेशन की अगर बात करें, दिस इज़ ए टाइप ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक टाइप है इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. और वो केमिकल एनर्जी कहाँ से लेते हैं, लास्ट टाइम हमने स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की बात की थी कि यहाँ पे हम कुछ ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल करेंगे जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो करें, अचानक से खुद ब खुद से रिएक्शन हो जाए और उन रिएक्शन से हम बिजली बनाएंगे या इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे. स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो खुद ब खुद हो जाए, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की भी लास्ट टाइम बात की थी कि जिनको स्टार्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है. तो ये होगी इसकी डेफिनेशन. नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा इसका सब टॉपिक कह सकते हैं आप, वो है हिस्ट्री. हिस्ट्री तारीख, इसकी तारीख हमें क्या बताती है कि किस तरह से ये बना. अब एक बात याद रखें, गैल्वेनिक सेल को डेनियल सेल भी कहा जाता है, DANIEL डेनियल सेल्स. डेनियल सेल्स भी इनको कहा जाता है. अब डेनियल सेल्स क्यों कहा जाता है, एक साइंटिस्ट थे डेनियल, ठीक है, फ्रेडरिक डेनियल, उन्होंने सबसे पहले ये सेल बनाया था. फ्रेडरिक डेनियल वाज ए साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले ये गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल तैयार किया था. इसके अलावा एक और साइंटिस्ट अलेक्जेंड्रो वोल्टा जेंड्रो वोल्टा एक और साइंटिस्ट थे. उन्होंने सबसे पहले हमें बताया था कि गैल्वेनिक सेल भी बनाया जा सकता है या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है. साइंटिस्ट नेम्ड एज वोल्टा, इन्हीं के नाम पे इस सेल को वोल्टिक सेल भी कह देते हैं. वोल्टिक सेल भी इन्हें कहा जाता है. गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं हम इसको, डेनियल सेल भी कह सकते हैं और वोल्टिक सेल भी कह सकते हैं. ये तीनों सेल्स एक ही हैं, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल एंड डेनियल सेल. नेक्स्ट हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लें कि इसमें कंस्ट्रक्शन क्या होगी. कंस्ट्रक्शन इसकी दो हाफ सेल्स पर मुश्तमिल होगी. कंसिस्ट ऑफ
two half cells. दो half cells. एक cell है ये, इसके दो हिस्से होंगे जिनको हम half cell कहेंगे. दो half cells किस तरह से बनेंगे? Half cells made up of zinc. दो half cells जो हैं, zinc electrode plus zinc sulfide. ठीक है, zinc electrode होगा और zinc sulfide का solution होगा. Zinc electrode dipped in zinc sulfide solution, ये एक half cell बना लेगा. इसके अगर construction मैं side पे बनाऊं, ये हमारे पास zinc electrode है और इसमें हमारे पास zinc sulfate इसका solution है. ये हमारे पास एक half cell है, half cell. एक half cell हमारे पास zinc electrode या zinc rod dipped in zinc sulfide, zinc sulfate solution. दूसरा half cell हमारे पास copper, copper का होगा, copper का. इसी तरह से दूसरा half cell हमारे पास copper electrode dipped in copper sulfate solution. ये हमारे पास copper है. दो half cell, zinc electrode या zinc rod dipped in zinc sulfate solution और solution हमारे पास ये 1 molar होगा. ये भी 1 molar और ये भी 1 molar. जो solution हम इस्तेमाल करेंगे zinc sulfate का या copper sulfate का, वो 1 molar solution होगा. ये हमारे पास cell हो गया. इसके अलावा एक salt bridge, ठीक है, two half cells. दूसरे नंबर पे एक साल्ट ब्रिज होगा. साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज, उसके अंदर एक साल्ट का सॉल्यूशन होगा और वो साल्ट हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड साल्ट होगा हमारे पास. ये साल्ट ब्रिज यू शेप में होगा, ये साल्ट ब्रिज यू शेप में होगा, पोटाशियम क्लोराइड. इसके अंदर पोटाशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होगा और ये पोटाशियम क्लोराइड सॉल्यूशन या पोटाशियम क्लोराइड साल्ट इन दो जो सॉल्यूशन है, जो हाफ सेल है, उनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा. ये उनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ सर्किट कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल होगा ताकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो सके. ये दो इलेक्ट्रॉन एक वायर के साथ अटैच होंगे, ठीक है, एक वायर के साथ अटैच होंगे और दरमियान में एक वोल्टमीटर लगा होगा जिससे हमें पता चल सकेगा आया इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड और नॉट प्रोड्यूस्ड. जिंक इलेक्ट्रोड ये एज ए एनोड वर्क करेगा, एज ए एनोड वर्क करेगा और कॉपर इलेक्ट्रोड एज ए कैथोड वर्क करेगा. जिंक इलेक्ट्रोड एज ए एनोड वर्क करेगा और कॉपर इलेक्ट्रोड एज ए कैथोड वर्क करेगा. इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होगी वो एनोड टू कैथोड होगी. इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट एनोड टू कैथोड होगी. जिंक को हम एज ए एनोड क्यों ले रहे हैं? जिंक को हम एज ए एनोड क्यों ले रहे हैं? जिंक को एज ए एनोड इसलिए लिया जा रहा है कि जिंक आसानी के साथ ऑक्सीडाइज हो सकता है. जिंक आसानी के साथ ऑक्सीडाइज हो सकता है. ऑक्सीडाइज रिमूवल इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो होगी. दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करके ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा. रिएक्शन क्या होगा या प्रोसेस क्या होगा? जिंक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा एज कंपेयर टू कॉपर. इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होंगे,
यहाँ से मूव करेंगे, जब यहाँ से मूव करेंगे वोल्टमीटर विल शो करंट, वोल्टमीटर करंट शो करेगा, यहाँ से गुजरते हुए कॉपर के पास आएंगे, वहाँ से सॉल्यूशन में, और जो कॉपर के आयंस हैं, ठीक है, जो कॉपर के आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेंगे, कॉपर के आयंस इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से होते हुए इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। रिएक्शन जो डेनियल सेल में होंगे वो सिंपल रिएक्शन होंगे, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं होंगे। एनोड के ऊपर, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन कैसे होगी कि जिंक हमारे पास है, जिंक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा और जिंक आयन बना लेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके जिंक आयन बना लेगा। दूसरा, कैथोड पे कॉपर, कैथोड पे जो कॉपर है, यहाँ पे जो कॉपर के आयंस होंगे सॉल्यूशन के अंदर, साल्ट हमेशा सॉल्यूशन में आयंस की फॉर्म में होगा, सॉल्यूशन में जो कॉपर के आयंस होंगे वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके रिड्यूस हो जाएंगे। रिडक्शन का जो प्रोसेस होगा वो कैथोड पे होगा, प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस एनोड पे, ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन का प्रोसेस। अब आप देखिए कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, एक मेटल या एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और दूसरा मेटल या दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहा है, यानी कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है या ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रहा है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इट मीन्स कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, सो इट मीन्स दिस इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन।